ओ भाई क्या स्पीड हो चुकी है एकदम, 700 और ये 800 हो पाएगी क्या, देखते हैं। सो यो व्हाट्सअप सर, वेलकम टू द इवॉल्व एफएफ यूट्यूब चैनल अगेन। और गाइस जैसे कि मैं तुम्हारे लिए न्यू अलग अलग वीडियो लेके आते ही रहता हूँ, तो यहाँ पर मैं एक खुराफात कर रहा था और वो मेरे साथ हो गई। मैं बहुत देर से यहाँ पर से कोशिश कर रहा था कि मैप के बाहर जाके क्या होता है, मैप के बाहर जाके देखता हूँ, और फाइनली मैं यहाँ पर रीच कर गया मैप के बाहर। तो तुम्हें भी देखना क्या होता है मैप के बाहर जाके, अगर तुम कायक स्ट्रीट में जाओगे आउट ऑफ द मैप तो क्या होगा यहाँ पर। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा इसमें चुल मच रही थी मेरे को ये करने की, तो मैंने कर दिया ऐसा, ठीक है। और अगर ये तुम्हें वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड गाइस मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पर मैप के बाहर आउट ऑफ द मैप इन कार्क स्ट्रीट, और तुम देख सकते हो यहाँ पर क्या रखे हुए हैं ये। एंड तुम देख सकते हो यहाँ पर अब मैं जा रहा हूँ मैप के बाहर। ये जो रोड है तुम देख सकते हो बिल्कुल भी कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ है, एकदम ऐसी फील दे रहा है कि ये अंडर कंस्ट्रक्ट है। और काफ़ी अच्छा यहाँ पर लुक आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि रियल लाइफ में मैं आउट ऑफ द मैप जा रहा हूँ, जो नहीं होता, मतलब जैसे कि तुम मान लो आउट ऑफ द कंस्ट्रक्शन जा रहा हूँ। और तुम देख सकते हो कितना बेहतरीन यहाँ पर, देख रहे हो तुम साइड के पेड़ जो है नीचे गहराई में घुसते जा रहे हैं, ऐसे गहराई बढ़ती जा रही है। यहाँ पर मौसम देख लो, रात हो रही है एकदम, तो अभी थोड़ी देर में दिन भी हो जाएगा। एंड तुम देख सकते हो यहाँ से अगर मैं नीचे गिरा एक बार भी तो मैं बहुत गलत गिरूँगा। यहाँ पर रोड ही रोड है, ये इस रोड पर चलना ज़्यादा सेफ रहेगा। एंड देखते हैं रोड कहाँ लेके जाता है, हमें कहाँ जाने वाला है, क्या पता कोई सिटी मिल जाए हमें, कोई ऐसे छुपी हुई सिटी हो कायक स्ट्रीट में वो मिल जाए हमें, हो सकता है यहाँ पर वो, या कोई विलेज हो या फिर न्यू जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है यहाँ पर वो हम देख सकें हाइडन तरीके से, सीक्रेट तरीके से हम यहाँ पर ताका झाकी कर पाएँ। तो गाइस देखते हैं यहाँ पर क्या होने वाला, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसी वजह से मैंने यहाँ पर मैप के बाहर जाने की कोशिश करी। एंड तुम देख सकते हो अगर हम यहाँ से आएंगे तो ये 8.9 किलोमीटर का पड़ेगा यहाँ तक का, तो यानी कि अभी मान के चलो, अभी चेक करता हूँ एक बार मैं फिर से कि कितने किलोमीटर का ये जो रोड है ये कितने किलोमीटर का है। बाकी तुम देख सकते हो यहाँ पर कितना खतरनाक व्यू है, यहाँ पर कुछ भी नहीं, दूर दूर पेड़ भी उगना बंद हो गए हैं यहाँ पर, वो पहाड़ी पहाड़ है। इस पहाड़ के पार भी जाएंगे हम, पर डे का वेट करेंगे, डे होने दो फिर उसके बाद जाएंगे। तुम अभी देख सकते हो यहाँ जाना बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और मेरे पास पेट्रोल भी नहीं है, तो पेट्रोल ख़त्म हो गया तो और दिक्कत हो जाएगी, मैं पेट्रोल फिल कैसे करूँगा यहाँ पर, वो तुम देखो मेरी चलाकी। एंड यहाँ से हम पूरा पहाड़ को पार करके आएंगे, पूरा आउट ऑफ द मैप जाएंगे, देखते हैं क्या होगा। गाइस जो तुमने स्टार्टिंग में क्लिप देखी होगी उसमें मैं फॉल कर रहा हूँ, और वो फॉल पॉइंट कहाँ पर आएगा वो देखना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने वाला है यहाँ पर। एंड साथ में कुछ भी हो सकता है उधर उस पहाड़ के पार, कुछ भी हो सकता है, हो सकता है कोई सिटी हो, कोई अंडर कंस्ट्रक्शन मैप हो जो अभी बन रहा हो, या फिर हो सकता है कुछ कार्स का शोरूम हो जहाँ पर न्यू कार्स बन रही हो। तो तुम देख सकते हो इस वाले एरिया से यहाँ तक क्या ना, ये लगभग 3 किलोमीटर का पड़ रहा है, तो यानी कि ये मान लो तुम ये देख लो, ये यहाँ से यहाँ तक का लगाएंगे, हिसाब लगाएंगे ना, हिसाब लगाने के बाद बैठ रहा है मेरे ख्याल से 1-2 किलोमीटर का बैठ रहा है ये पूरा रोड। तो 2 किलोमीटर का एरिया यहाँ तक हमने देख लिया, और आगे जाने वाले हैं अभी हम, बट यहाँ पर दिन होने का वेट कर लेते हैं, दिन हो जाएगा वैसे ही हम निकल लेंगे यहाँ पर। एंड कैसे, अगर तुम चैनल पर न्यू आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि तुम्हें ऐसी इंटरेस्टिंग कंटेंट मिलते रहे। एंड तुम्हारे मन में दिमाग में कोई खुराफात हो तो मेरे को जैसे कमेंट में बताना। एंड गाइस यहाँ पर डे हो चुका, और डे में देखो भाई कितना बड़ा मैप है, मैं वो कितना चौड़ा रोड है, मैंने तो ये नोटिस ही नहीं करा था। तुम देख सकते हो कितनी प्यारी गेम लग रही है हमारी, और ये देखो मैप के नीचे क्या है, खाली खाली। तो अब जाने वाले हम इस पहाड़ के ऊपर, कोशिश करने वाले कि इस पर हम बिना गिरे चढ़ जाएँ, यहाँ पर चल सकते हैं। मेरे को तो यही डाउट हो रहा था कि हम इस पर चल पाएंगे भी या नहीं चल पाएंगे, क्योंकि तो कुछ होता है मैं आपके बाहर के तुम ट्रांसपेरेंटली पार हो जाता हो, तो ये भी अच्छी बात है यहाँ पर चल पा रहे हैं। एंड यहाँ पर चढ़ गए, ओह माय गॉड क्या बात है, थोड़ा सा और ऊपर चढ़ना चाहिए हमें। अरे यार मैंने गलत टर्न ले लिया यहाँ से, अब पीछे लेके तो गाड़ी बहुत पीछे जाएगी, यहाँ से स्पीड चाहिए, यहाँ पर स्पीड चाहिए चलने के लिए। टर्बो चलाने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है यार, देखो टर्बो चलाने के बाद भी वहीं पर हमारी गाड़ी रुकी रही है और कुछ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर कोई ना कुछ पेटी जी लगाएंगे और ज़रूर जाएंगे उसके पार, हमें पहाड़ के पार जाना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हो सकता है मैं इसे टेढ़ा लेके जाऊँ तो टेढ़ी गाड़ी चल जाए, तो टेढ़ी लेके जाते हैं एक बार, ट्राई करते हैं टेढ़ी लेके जाके। ये बिल्कुल भी यहाँ से पकड़ नहीं रही है, तो मेरे ख्याल से मुझे बैक ही जाना चाहिए ध्यान से, वो भी कि मैं रोड के नीचे ना चलाऊँ, रोड के नीचे हो सकता है मैं मैप के बाहर हो जाऊँ तो कोई ग्लिच हो जाए फिर, तो मैं अभी ग्लिच नहीं चाहता, मैं पहले उस पहाड़ के पार जाके देखना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने पहाड़ इसलिए इतनी ऊँचे बनाया था कि बंदे
वहाँ पर पार ना जा पाए, हो सकता है वहाँ पर कुछ हिडन हो, कुछ धक्का के रखा हो। तुम देख सकते हो रोड कितना बढ़िया लग रहा है, कितना बड़ा लग रहा है ये रोड। एंड ये मैप में तो पॉइंट कर रहा है उधर की तरफ, जाए इधर की तरफ रहा है, तो ये चेंज करेंगे इसे अपडेट के बाद जब आएगी। हो सकता है 1.0 में कुछ केड़ा अपडेट आए जिसमें हमें ये चीज़ें देखने को मिले, तो यहाँ पर वो मैं तुम्हें अभी रिवील कर सकता हूँ, हो सकता है तुम देख लो अभी इस वीडियो में। तो चलते हैं यहाँ से पार करेंगे, फुल स्पीड में तो नहीं है, कम स्पीड में जाएंगे ताकि हमारा बैलेंस भी बनता रहे, वरना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। यहाँ पर 80 के लिए स्पीड रिड्यूस होगी और 50, 30 क्या हम चढ़ पाएंगे इस पर, 10, तो स्पीड यहाँ पर थोड़ी बढ़ रही है। एंड बस ये पहाड़ ख़त्म हो गया क्या? तो यहाँ पर तो चलो स्पीड बन जाएगी, अब तो बैलेंस बन चुका है गाड़ी का, गाड़ी भी हमारी बढ़िया वाली है, इसकी थोड़ी लोकल वोकल। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो क्या व्यू आ रहा है, दिन हो रहा हो, क्या मस्त है यहाँ पर व्यू है, तुम देख सकते हो बिल्कुल मैप के बाहर, मैप को भी नहीं पता कि बंदा कहाँ पर है और कितना करीब दिखला रहे हैं मेरे को, 177 मीटर दिखला रहा है, 773 मीटर्स दिखला रहे हैं कि मैप में। एंड तुम देख सकते हो यहाँ पर क्या है ज़रा, कि क्या बनने वाला है, आपको इतनी पहाड़ियाँ दे रखी है, इतना पहाड़ी वाला इलाका तो किस कहीं भी नहीं इस मैप में यार, जो यहाँ पर दे रखा हिडन। तो आई होप मैं सही जा रहा हूँ थोड़ा बहुत, और ये क्या यार भाई, तुम देख सकते हो कितना अंधेरा अंधेरा है, मैं ब्राइटनेस फुल कर लेता हूँ ताकि तुम अच्छे तरीके से देखो, और मैं भी तुम देख सकते हो आप रात होने लगी लगता है, और जंप 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 मिल रहा है, जंप का एयर का मिल रहा है कभी, तो यहाँ पर ओ भाई बिल्कुल मैदानी मैदान है यहाँ पर, तो गाइस तुम देख सकते हो यहाँ पर मैदान है, यहाँ पर अच्छा कुछ क्रिएट करेंगे, यहाँ पर कुछ ना कुछ घर वर बनाए जाएंगे यहाँ पर जिसमें हम खेल पाएंगे ये गेम। ओ भाई क्या हम इस पर टिक पाएंगे? तो गाइस ये हो गया यहाँ पर से फॉल चालू, यानी कि मैप के हम बिल्कुल आउट ऑफ द मैप आ चुके हैं, जहाँ तक उन्होंने बनाया है वहाँ से भी बाहर आ चुके हैं, तो इसमें हम जा रहे हैं हम नीचे, अब कुछ नहीं होगा यहाँ पर, ये यही चलता रहेगा। बट हम देखो ट्राई करके देखो, स्पीड देख सकते हो तो मेरी बिना स्पीड दिए कितनी स्पीड बढ़ चुकी है, यहाँ पर 500 भी पार कर देंगे थोड़ी देर में। तो यहाँ पर ये तो इन्जॉय करो कि कितनी स्पीड यहाँ पर अपनी हो पाती है। तो गाइस तुम देख सकते हो 700 की स्पीड यहाँ पर मैक्स हो चुकी है, और मैं ट्राई करता हूँ सब वापसी ले जाने को कार को मैप के ऊपर, कि हम मैप में वापसी जा सकते हैं या नहीं, क्योंकि यहाँ पर से इस पॉइंट से बहुत मुश्किल हो सकता है ये गाड़ी मेरी कभी मैं प्ले ना कर पाऊँ इस पर, क्योंकि मैं इस गाड़ी को लूँ तो ये शायद यहीं मिले मुझे, ये भी हो सकता है यहाँ पर। गाइस बहुत ज़्यादा यहाँ पर डेंजर है, तो अपनी रिस्क पर लेके जाना यहाँ पर गाड़ी, बाकी तुम वीडियो देखोगे तो तुम्हें पता लग ही जाएगा कि क्या हो सकता है मेरी गाड़ी के साथ यहाँ पर। तो यहाँ पर ये फिर से मैंने इसे एक बार करा है, और मिड टाउन मेरे को मैप पे दिखला रहा है, मिड टाउन में हूँ मैं, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा ज़मीन के अंदर हूँ, कि कम गेम को समझ नहीं आ रहा कि ये बंदा है किस लोकेशन पर। तुम देख सकते हो कितना ख़तरनाक है भाई, सोचो अगर ऐसा रियल लाइफ में भी हो, हम किसी जगह जाएं जहाँ पर से हम पार जाने के बाद ऐसे कहीं पहुँच जाए तो क्या होगा हमारा, क्या पता हमारी लाइफ भी सिमुलेशन में चल रही है एक। और तुम देख सकते हो यहाँ पर अब की तो और तेज़ी से स्पीड बढ़ रही है, एंड देखते हैं क्या लिमिट होने वाली है अब की बार स्पीड की हमारी। 700 यहाँ पर क्रॉस कर चुकी है गाइस, ओ भाई लगता है 700 से ज़्यादा नहीं हो सकती, 800 नहीं हो सकती है मेरे ख्याल से, क्योंकि 800 यहाँ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ पर बहुत तेज़ी से गिर रहे हम। ओ भाई 760, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, अब भी बढ़ रही है यार ये तो, 70 90 से ज़्यादा नहीं हो सकती, मैं बोल रहा हूँ चलो लास्ट 80 हो चुकी है यहाँ पर, क्या इससे भी ज़्यादा ऊपर जाएगी गाइस ये? भाई साहब 80, चलो 90, 85 तक जा रही है बस, 785 तक जा रही है,
भाई साहब, तो अब चलो देखते हैं इसे मैप से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं कि ये मैप से बाहर निकाली जा सकती है या नहीं, मतलब गेम में आ सकती है नहीं आ सकती है, तो देखते हैं। तो यहाँ पर पहले तो स्पीड देख लो तुम कितनी है, 90 भी पहुँच ही जाएगी मेरे ख्याल से अगर थोड़ा वेट करेंगे हम, लेकिन ये तो हमें देखने में ज़्यादा मज़ा आ नहीं रहा है। यहाँ पर देखते हैं हम, ओ भाई मैं कहाँ पर हूँ भाई, मैप के अंदर दिख रहा है तुम्हें, कुछ दिख ही नहीं रहा भाई मेरे को, तो कुछ अजीब सी जगह है ये तो, बहुत ख़तरनाक। ओ भाई जूम करा देखा तुमने, जूम कहाँ पर हो रहा है ये, तो देखो मैप में देखेंगे हम, मैप में है तो है कहाँ, भाई मैप में ही ढूंढना मुश्किल हो रहा है कहाँ। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं कार्स को एक बार इक्विप करके देखूंगा और फिर देखूंगा कहाँ पर हूँ, तो मैंने कार को लगा लिया अपनी। ओ भाई देखो तुमने क्या जूम होता है, देखो ध्यान से देखो, स्लो मोशन में देख लेना, स्लो मोशन कर लेना वीडियो यहाँ पर और देखना भाई क्या स्लो मोशन में तुम देख सकते हो, क्या डार्क है यहाँ पर, मून है यहाँ पर, बहुत मज़ा भाई बहुत मज़ा। ट्राई करके जरूर देखना अपने फ़ोन में, लेकिन रिक्स पर अपने कभी हो सकता है फ़ोन ब्लास्ट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है भाई, मेरे को नहीं पता मजाक करूँगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। इवन यहाँ पर और ज़्यादा स्मूथ चलेगी तुम्हारी गेम, क्योंकि यहाँ पर कुछ प्रोसेस करने को नहीं है। तो तुम देख सकते हो, इसकी एक फ़ोटो ले लेता हूँ मैं ताकि मैं इसे अपलोड कर पाऊँ तुम्हारे लिए कम्युनिटी पोस्ट पर। ओ भाई बिल्कुल मैप के बाहर हूँ मैं, मैप के बाहर तो नहीं हूँ मैं, मैप के ज़मीन के अंदर हूँ। दफन कर दिया गया मेरी गाड़ी को एकदम, वो दफन होती जा रही है, वो ज़मीन के और अंदर जाती जा रही है, कोई डिस्टेंस का मीटर ही नहीं है यहाँ पर। अगर यहाँ पर फॉल हो रहा है तो यार एक एयर टाइम तो देना चाहिए था, एयर टाइम मिल रहा होता ना तो बहुत ज़्यादा पैसे कमा लिए होते मैंने, वो एक न्यू ट्रिक ही निकल चुकी होती। तो यहाँ पर अब चलते हैं मैप के बाहर, ये आ चुके हैं मैप के बाहर गाइस। अपनी ऐसी गाड़ी इक्विप करोगे तो यहाँ पर मैप के बाहर आ जाएगी और तुम्हारी गाड़ी यहाँ पर आ जाएगी, वाली देखो खड़ी हुई है, ठीक है। तो ये था अपना यहाँ पर मैप के बाहर का एक्सपीरियंस, मैप से भी पूरा आउट ऑफ द वर्ल्ड भाई साहब, आउट ऑफ द कार स्ट्रीट, बहुत ज़्यादा ऑसम था ये। अगर तुम्हें अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जल्दी वीडियो आने वाली एक चैनल पर बहुत केड़ी वाली, उसके लिए भी बने रहना ताकि तुम्हें वो लेटेस्ट अपडेट मिल जाए। तो मिलते हैं गाइस आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।